असलकम स्टूडेंट्स पिछले सेशन में हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के इकोनॉमिक और सोशोलॉजिकल थ्रेटिकल पर्सपेक्टिव्स पर बात की हमने नोट किया कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ न्यू एकेडमिक फील्ड और इस वजह से अभी उसकी थेरी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई इकनॉमिक्स की फील्ड में चूँकि पहले से थेरीज एंटरप्रेन्योरशिप पर मौजूद थी तो उन पर बेस करके नई थेरी डेवलप हो रही है सोशोलॉजी में चूँकि एं, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो अभी डिफरेंट परस्पेक्टिव जो हैं उन पर रिसर्च हो रही है काम हो रहा है इसलिए हम सोशल एंटरप्रनीरशिप को थेरीज की नस्बत पर्सपेक्टिव्स के थ्रू देखते हैं कि किन किन तरीकों से इसको अप्रोच किया जाता है एक वजह तो सोशल एंटरप्रेनशिप का एक यंग फील्ड होना है लेकिन एक दूसरी वजह जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के एथरेटिकल होने की है वो इसका नेचर ऑफ़ कंटेंट है नेचर ऑफ कंटेंट से मेरी मुराद है सोशल इश्यूज़ जिनको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में डील करने की एड्रेस करने की कोशिश की जाती है उनके कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स ऐसे हैं कि हम आसानी से थ्योराइज नहीं कर सकते इस इंट्रोडक्टरी सेशन में हम उन करेक्ट्रिस्टिक्स को देखते हैं जो सोशल इश्यूज के हैं जो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को एक थ्रेटिकल परस्पेक्टिव देने से अभी एक तरह से बैरियर का, का काम कर रहे हैं लेकिन ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन वो थ्योराइज किया जा सकता है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपीरियंसेस एंड टाइम टेस्टिंग सबसे पहले अगर हम सोशल इश्यूज की बात करें तो उनकी कोई डेफिनेटिव फॉर्मूलेशन नहीं होती हर आदमी जो किसी सोशल प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करता है वो उसको मुख्तलिफ़ तरीके से अपने जहन में फार्मूलेट करता और मुख्तलि तरीके से बयान करता है फॉर एक्ज़ाम्पल एक शख्स के लिए पॉवर्टी का एक्सपीरियंस महज पैसों का ना होना है लेकिन इंडिया में किसी दलित के अगर जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इस वजह से नहीं मिलती कि वो दलित है तो ये उसके लिए एक तरह से पॉलिटिकल पॉवर्टी है उसका पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट जो है और उसकी फॉर्मूलेशन डिफरेंट होगी बेस्ड ऑन हिज और हर कास्ट चूंकि सोशल इश्यूज की फॉर्मूलेशन डिफरेंट है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एड्रेस करने के लिए उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मुख्तलिफ होंगे और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आपको याद होगा थ्रू आउट हम बात कर रहे कर रहे हैं कि वो इनोवेटिव और क्रिएटिव बीइंग्स हैं वो क्रिएटिव और इनोवेटिव इसलिए भी हैं कि उन्हें हर शख्स ग्रुप या कम्युनिटी या सोसाइटी का जो सोशल प्रॉब्लम का एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक उसका सलूशन जो है उसे ढूंढना होता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्स जो हैं उसको फाइंड आउट करना होता है इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जो सोलूशनस होते हैं गुड और बैड तो हो सकते हैं लेकिन करेक्ट और इनकरेक्ट या ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकते हम सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात कर सकते हैं उसे फिक्स या सॉल्व करने की बात नहीं कर सकते क्योंकि इंसान जो हैं जो माशरे में रहते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन के दौरान उनको मुख्तल किस्म के मुख्तु सिचुएशंस का सामना होता है जिन्हें हम सोशल प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं तो सम सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके पास कोई टेम्पलेट नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप की जैसे बिजनेस के मॉडल्स हैं सक्सेसफुल मॉडल्स हैं इफेक्टिव मॉडल्स हैं इस तरह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हम कोई टेम्पलेट नहीं दे सकते कि अगर आप अपने एंटरप्राइज को इस 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 तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे या चलाएंगे तो वो ज़रूर ही सक्सेसफुल होगा सोशल एंटरप्रेन्योर्स को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जिन सोशल इश्यूज़ को वो टैकल करते हैं उसकी ह्यूमन डायमेंशन को नज़र में रखना होता है जिसका मतलब है कि जो मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस हैं जो मुख्तलिफॉमुलेशन्स हैं उनको आपस में वे करना होता है उनका कंपैरिजन करना होता है जो शख्स प्रॉब्लम में है उसको अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो टोटल एक्सप्लेनेशन लगती है लेकिन ऐसा नहीं होता एंटरप्रेन्योर जो है उसको ना सिर्फ उस शख़्स को जो मसले का शिकार है या उस ग्रुप को तसल्ली देनी है उसको उसका मसला हल करना है लेकिन उसको साथ साथ ये भी देखना है कि इसको हल करने के वायबल ऑप्शंस इनोवेटिव और क्रिएटिव ऑप्शंस जो हैं वो कौन से हैं सोशल एंटरप्रन्यरशिप के जो मुख्तु सॉल्यूशंस हैं या मॉडल्स हैं उनका कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं है ऑफकोर्स जब प्रॉब्लम की कोई एक एक्सप्लनेशन नहीं है जब उसको सॉल्व करने का कोई एक टेम्पलेट नहीं है जब कोई एक साइंटिफिक आपके पास प्रूफ नहीं है एविडेंस नहीं है कि हर दफ़ा एक ही तरीके से जब आप किसी मसले को एड्रेस करेंगे तो वो ज़रूरी हल हो जाएगा तो हम उसको बतौर साइंस प्रोपेगेट नहीं कर सकते सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी सोशल इन नेचर कि उसको आप साइंटिफिकली टाइम एंड अगेन वेरीफाई या फालसफाई जो कि साइंस के हाल मार्क्स हैं वो नहीं कर सकते सोशल प्रॉब्लम्स इंसान क्रिएट करते हैं चूँकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जो सोशल इश्यूज टैकल होते हैं उनकी एक्सप्लेशनस वर्क हैं मुख्तलिफ़ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और कम्युनिटीज जो उन मसाइल का शिकार हैं उनकी फार्मूलेशनस मुख्तलिफ़ हैं और कोई एक टेम्पलेट उनको हल करने का नहीं है तो हम उसको किसी साइंटिफिक टेस्ट से नहीं गुजार सकते कोई उसको वेरीफाई या फालसिफाई नहीं कर सकते कि हमेशा ये सोलूशन जो है वो ट्रू या फॉल्स होगा हम सिर्फ सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात कर सकते हैं क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स यूनिक हैं तो उनके हल जो हैं वो एज गुड एज दे आर और एज बैड एज दे कुड भी हो सकते हैं थैंक यू